नेक्स्ट है फोर रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एंड एक्स, वीट फ्रॉम बीच में लगा दिया, सेल 1.5 वोल्ट का है, और क्या निकालना है इसमें आपको, करंट निकालना है इसमें क्या होगा। ये मैंने गलत किया हुआ है थोड़ा सा, ये इसके अंदर जब ये बैलेंस्ड है तो इसका कोई काम नहीं, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे इन सीरीज, तो ये 11 ओम आएगा, और ये किस में हो जाएंगे इन सीरीज, 110 ओम आएगा, ये दोनों किस में हो जाएंगे इन पैरेलल, राइट, क्लियर है। तो आपका नया डायग्राम बनेगा, ये 11 ओम है, ये 110 ओम है, और ये एक बैटरी 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, तो टोटल करंट आ गया, हर ब्रांच में करंट निकालना है वो भी आ जाएगा, क्योंकि वी पैरेलल में क्या रहता है, एग्जैक्टली सेम, तो वी पता है आर पता है करंट, वी पता है आर पता है करंट, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है इसमें। नेक्स्ट, ये तो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी का है कि ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, वो ऐसे भी डाल देते हैं वो कुछ उठा के, तो देखा था हमने उसमें पेपर्स में, पुराने पेपर में, क्या इसके अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी में। आपको ऐसे ये कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि आप करने की ये कोशिश करोगे 4x4, 4x ये वायर है ही नहीं, तो देखो ये तारों का जाल है, टेबल पे तारें बिछी हुई हैं। आप एक काम करो, इस ए को उठाओ, इन दोनों को उठाना, बाकी को फिक्स कर दो, जहां मैं ये इसको नहीं हिलाना, इसको नहीं हिलाना, इसको भी नहीं हिलाना, इस वायर को, ये वायर को यहां से खींच के यहां ले आओ, उल्टा यहां पे ले आओ, ऐसे पलट दो, तो बी पॉइंट यहां आ जाएगा, और इन दो वायर्स को, इनको यहां ले आओ, तो आपके पास डायग्राम ऐसा बनेगा, जस्ट घुमाना ही तो है, तो डायग्राम ये बनेगा। देखो इसको फिक्स रखा, चार और चार इधर आ गए, देखो चार और चार इधर आ गए, ए पॉइंट बाहर आ गया, ए पॉइंट बाहर आ गया, बी पॉइंट बाहर आ गया, ये बन गया, दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये देखो 4x4 इज इक्वल टू 4x4, इसको हटा दें, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में एक्स निकालो जिसमें नो करंट फ्लो थ्रू सेक्शन ए हो, कह रहा है इसमें करंट ही नहीं है। भाई जब करंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि 2x4 इज इक्वल टू 3x, तो एक्स आ गया, तो एक्स आ गया। अब ये बताओ, अगर एक्स आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो अब ये दोनों किसमें हैं इन सीरीज, ये दोनों भी किसमें हैं इन सीरीज, जो आंसर आएगा आपस में इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जो आंसर आएगा वो इसके साथ इन सीरीज। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर देखो इसमें करंट नहीं है, इसको हटा दो, ये दोनों सीरीज में तो क्या आएगा, 6, ये दोनों सीरीज में ये 6 है तो क्या आएगा, 9, ठीक। नीचे क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी 2.4 ओम। अब देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, इसके साथ इन सीरीज, अब करंट निकाल लेना। तो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट वो कह रहा है एक्स निकाल लो फिर से, वे नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम, तो ठीक है ना, फिर 2/6 इज इक्वल टू x/18, एक्स निकाल लेना, ठीक है। तो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें करंट नहीं ना, वो कह रहा है 5 ओम में, देखो 1 2 3 4 5, कह रहे 5 ओम में करंट ही नहीं है, जब इसमें करंट नहीं है इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते थे हम, नहीं, अच्छा कैसे है, 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन चाहिए ना, 1 2 3 4 5, वो रोम्बस से दिख रहा तो क्या हो गया, तारे ऐसे भी दिख सकती हैं शेप में, शेप ही चेंज कर रही है, लॉजिक तो वही है 1 2 3 4। अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन है बताओ, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है बताओ, वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो एक्स और वाई की, सच दैट इसके अंदर 10x10 10x10, देखने में रोम्बस नहीं है पर बात तो एक ही है, 10x10 10x10 एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको हटा दें, इसमें करंट ही नहीं होगा।
अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में। तो शेप रोम्बस देखने की कोशिश मत करना हमेशा, कोई भी शेप आएगी, जैसे ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये देखो तो लग ही नहीं रहा व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे? एक्स और वाई के बीच में निकालनी है। पहली बात तो डायग्राम को ऐसे मत देखो, ऐसे देखना। जब आप ऐसे देखोगे तो कुछ कुछ रोम्बस भी दिखेगा आपको। ये देखो गोल वायर की जगह ऐसे लगा दें, ये देखो रोम्बस नहीं दिख रहा ऐसे, तो ये देखो गोल कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो 10/10 = 10/10 इसको हटा दो। सीरीज सीरीज आपस में पैरेलल, ठीक है यहां तक?